अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक रेडियन फंक्शन होता है और एक डिग्री फंक्शन होता है। अब दोनों के मिजाज में फर्क है और डिग्री जो है वो बुनियादी तौर पे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो हमारे पास 6 फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। ये सारे डिग्री की डिमांड करते हैं। तो अगर कहा जाए तो डिग्री जो है वो इन्हीं फंक्शंस के लिहाज से वजूद में आई थी, जबकि रेडियन जो है बगैर इनके फंक्शंस के हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास 180 डिग्री जो है वो बुनियादी तौर पे हमारे पास इक्वल होता है पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो पाई रेडियन के इक्वल होता है और आपको पता है कि रेडियन पाई जो है हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 22/7 या फिर 3.14 आपको पता होगा। तो करते हैं, तो इसमें मैंने जैसे कहा 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो हमारी पहली एमसीक्यूज है और दूसरी एमसीक्यूज है, दोनों के लिहाज से हम कंबाइन बातें कर रहे हैं कि इसमें रेडियन में दिया है 2π/3 और सेकंड में 5π/4 रेडियन में दिया है और दोनों में कहा है कि इसको डिग्री में चेंज करें। तो भाई बिल्कुल आसान तरीका है, बस आपने जहन में रखना है कि जो आपको रेडियन में वैल्यू दी है, यानी कि नंबर वन पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें दिया है 2π/3, इसे हमें फौरी तौर पर मल्टीप्लाई कर देना है 180 डिग्री अपॉन पाई से। इससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है, खुद ब खुद ही डिग्री इससे प्रोड्यूस हो जाएगी और ये इसी से फॉर्मूला निकला हुआ है। जब 1 डिग्री को रेडियन में लाना हो तो 180 डिग्री नीचे आ जाता है, सॉरी 1 रेडियन को अगर हमें डिग्री में लाना हो तो पाई नीचे आ जाता है, तो 1 रेडियन हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर ये मेरी बात समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, आप इसे देखें आपने करना कैसे है, जो आपको रेडियन में वैल्यू दी है इसे मल्टीप्लाई कर देना है पाई अपॉन 180 से, पाई अपॉन सॉरी 180 डिग्री अपॉन पाई से। तो पाई से पाई हमने कट कर दिया और यहां से इसको कट किया तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई ये 60 आ जाएगा। तो 60 को जब हम डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 120 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो यकीन नहीं करोगे, पहले वाले का आंसर 120 डिग्री आ गया। अब बात करें नंबर 2 की, तो 2 के अंदर हमें 5π/4 दिया हुआ है, तो 5π/4 देने के बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे आप बताए, हाँ 180 डिग्री अपॉन पाई से। बिल्कुल ठीक, आपने मोबाइल के अंदर से जवाब दे दिया भाई, जबरदस्त। तो पाई से हमने पाई को कट कर दिया और इसके बाद हम जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जब 4 से डिवाइड होगा तो आपको पता है 4×4=16 होता है और 4×5=20, यानी कि 45 डिग्री आ जाएगा। अब 45 डिग्री को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास कितना आएगा आप देख सकते हैं, चूंकि 90 का डबल 180 और 180 में अगर हम प्लस कर दें तो 225 डिग्री। मेरी आदत है मैं कैलकुलेटर यूज नहीं करता, तो डायरेक्टली आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बंदा जितने इन चीजों को यूज करे जहन वीक हो जाता है, जहन साइड पे आगे बैठ जाता है, कहता मेरा काम नहीं है। तो अब ये 2 पॉइंट्स हमारे हो गए और इसी तरह 3, 4 बिल्कुल एक जैसा है, 5 के अंदर चूंकि ये एक ही साल इस तरह पॉइंट में डिग्री दी थी जो कि हम डिस्कस करेंगे। अब इन दोनों को हमने फाइंड आउट करना, तो नंबर 3 पे आते हैं, तो 120 डिग्री दिया हुआ है और इसे कहते हैं कि इसको रेडियन में ले आओ, यानी उसका उलट है, पहले ये था अब ये था, ये था तो ये बनाना था, ये है तो ये बनाना। तो अब आप इससे भी समझ लें, जब हमारा हाथ यूं यूं हो रहा है तो इसका मतलब है कि इधर क्या होगा कि नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। अब 1 डिग्री को अगर रेडियन में लाना है तो 180 पाई के नीचे आ जाता है। तो लिहाजा आपने ये याद रखना है कि जैसे ये 2 मैंने इन्हें मिटाया नहीं है, इसे उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री से जाएगा, डिग्री से डिग्री चले गया, सिफर से सिफर चले गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो इस तरीके से इसका आंसर 2π/3 रेडियन आपने लाजमी लिखना है, अगर उन्होंने लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो आपने लाजमी लिखना है। तो इसका आंसर कितना आ गया 2π/3। और फिर मजे की बात इसमें यह है कि देखें इसका सॉल्व किया था 120 डिग्री आया था, ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छा है ताकि आपको समझ आ जाए कि बात वही है, सीधा उल्टा हो रहा है। और यहाँ पे 120 डिग्री था तो हमने जब चेंज किया तो 2π/3 आ गया और हमने जो है नंबर 4 पहले कर दिया, कोई मसला नहीं है भाई, नंबर 4 लिख देते हैं, इसको 4 को हमने पहले कर दिया है और ये भी सारे काम अल्लाह की तरफ से हो जाते हैं, ठीक है। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि अब 150 डिग्री है तो हम 150 डिग्री को बाद में करते हैं। तो भाई इसको किससे मल्टीप्लाई करना है फिर बोलेंगे आप मोबाइल के अंदर से, नहीं बोलेंगे, चल मैं ही लिख लेता हूँ यहाँ पर 180 डिग्री, तो डिग्री से डिग्री कैंसिल, सिफर से सिफर कैंसिल, इस बार ये 3×5=15 हो जाएगा, पाई 80 रहेगा और नीचे आ जाएगा 6,
ठीक है, तो ये किसमें आ गया, रेडियन के अंदर आ गया। तो आज तो भाई बहुत जल्दी जल्दी एमसीक्यूज कवर हो रही है, 1, 2, 3, 4, 4 एमसीक्यूज कवर हो गई है। अब पांचवी ने थोड़ा सा टाइम लेना है, इसलिए हम पांचवी के लिए पहले इसको रिमूव कर देते हैं। तो अब हम नंबर 5 के ऊपर बात कर रहे हैं, और एक बार ये एमसीक्यूज आ चुकी है और नॉर्मली ज्यादातर इसी तरह से आती है। तो इसमें उन्होंने क्या किया है, 10.5 डिग्री दी है। आपने करना क्या है कि जो 0.5 होता है, यानी कि 0.5 वो 1/2 के इक्वल होता है, तो 0.5 1/2 के इक्वल होता है, तो हम ये 10.5 लिखा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि 10.5 उर्दू में और 10.5 इंग्लिश में। तो हमने 10 इधर रखा है और 0.5 नहीं लिखना, उसकी जगह हम लिख देंगे 1/2, ठीक है। अब आने वाले हो सकता है कि यहाँ पे 22.5 दे दें, तो आपने इसी टेक्निक से करना है। तो आपने इसके बाद इसका एलसीएम ले लेना है, और जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21/2। तो अब ये पूरा का पूरा, बल्कि यहां पे भी चाहे तो यहां पे ये डिग्री ऊपर होती है, तो हमने डिग्री ऊपर लगानी है। तो अब इसके बाद यहां पे भी डिग्री लगी, तो अब हम इसको चेंज कर देंगे किसके अंदर, रेडियन के अंदर। तो रेडियन के लिए हमने क्या बताया था कि यहां पे आपके पास पाई आएगा और नीचे 180 डिग्री आएगा। अब हमें बुनियादी तौर पर करना यह कि डिग्री से डिग्री काट देनी है, और ये जो है हमारे पास 3 के टेबल से कट हो रहा है, तो 3 7 21 और 2 तो नीचे ऐसे ही रहेगा और पाई ने भी रहना है। अच्छा, फौरन हम रेडियन, अगर हम क्वेश्चन कर रहे हो तो हमें फौरन रेडियन लिखना है, क्योंकि इसकी डिग्री होती है। और नीचे जो है 3 के टेबल से जब हम कट करेंगे तो 3 6 और 0 भी आएगा, ठीक है। तो इसके बाद रेडियन तो चल रहा है, यहाँ एंड पे लिखेंगे, और 7π/60 को 2 से किया तो 120। अब रेडियन हमने लिखना है, और याद रखेंगे अगर इन्होंने रेडियन लिख के दिया है तो फिर हमने नहीं लिखना, तो इसका आंसर आ जाएगा 7π/20 रेडियन। तो इस तरीके से हमारी पांचवी भी एमसीक्यूज हो गई है, और 6 एमसीक्यूज का अभी हमने आंसर यहाँ पे लिख दिया है। सिर्फ आपने याद रखना है, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है S=r θ, तो इसमें r तो रेडियस होता है, थीटा एंगल बिटवीन टू रेडियस होता है। s के बारे में अक्सर बच्चे नहीं जहन में होता उनके कि इसको क्या कहते हैं, और यहां पे याद रखेंगे s जो है वो आर्क ऑफ लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पॉइंट तो कुछ हमें एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, और एक्स्ट्रा अमूमन एग्जाम में आ भी जाता है। तो आप लोग इस एमसीक्यूज को फायदा ले, और खुद भी लें और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि और आज की जो एमसीक्यूज है, स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट से, मैंने अभी कल परसों भी क्लास ली, मैंने उनसे कहा कि यार जो एमसीक्यूज आती हैं वो इतनी आसान और इतनी जबरदस्त होती हैं कि आपको नकल की तो जरूरत ही नहीं, बल्कि आप अपने आने वाली जनरेशन को बताओ कॉन्फिडेंस के साथ, यार हमने खुद की थी, ये क्या फायदा कि पूछ के नकल करके आप एमसीक्यूज करके आ रहे हैं। और फिर इसके बाद आप अपने मुल्क के हालात देख लें, ये हालात भी इसी वजह से ऐसे होते हैं जो पढ़ने वाले गलत तरीके से पढ़ते हैं। हम दूसरों पे तो तनकीद कर देते हैं, हम अपने आप को नहीं देखते। जब हम खुद अच्छे होंगे तो हमारा माशरा अच्छा होगा। तो लिहाजा कहने का मतलब है ये एमसीक्यूज और सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आप जहन से ये निकाल दें यार हमने नकल करनी है या हमने जो है मजबूरन पढ़ रहे हैं। जब आप कोई काम दिल से करेंगे तो उसका फायदा आपको बाद में ही नजर आएगा। तो ये बात मेरी याद रखिएगा सर, शायद इजाजत चाहेंगे आपसे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।